महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सियासत तेज हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। पीएम मोदी पालघर में 76,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखने वाले हैं। हालांकि उनके आगमन से पहले ही मुंबई और पालघर में विरोध शुरू हो गया है। यह यात्रा सिंधु दुर्ग में शिवाजी महाराज की विशाल प्रतिमा गिरने के कुछ दिन बाद हो रही है, जिसे लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस मुंबई में पीएम मोदी के दौरे का विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने बीकेसी में पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। इस कारण उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने उनके घर के बाहर कड़ा पहरा लगा दिया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। कांग्रेस ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में पीएम मोदी से माफी की मांग की है और मुंबई समेत कई इलाकों में माफी वाले पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस नेता नसीम खान को भी साकी नाका कोल्डा स्थित उनके घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जिन्होंने भी प्रतिमा गिरने को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। पालघर में भी पीएम मोदी के आगमन से पहले विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पीएम मोदी दहानू के वधावन में बंदरगाह परियोजना का शिलान्यास करेंगे, लेकिन स्थानीय मछुआरे इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। मछुआरों ने अपनी नावों पर काले गुब्बारे बांधकर विरोध जताया है। उनका कहना है कि अरब सागर का यह क्षेत्र फिशिंग के लिए महत्वपूर्ण है और बंदरगाह के निर्माण से उनके व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हालांकि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद पीएम मोदी आज पालघर के दहानू शहर जाकर देश के सबसे बड़े भविष्य के पोर्ट का शिलान्यास करेंगे।